अच्छा ये बताइए आज औद्योगिता गांव आए हो क्या कर रहे हो जनता आइडी लिया हमारा मुख्य गांव है जितना सांचौली में ऐसे ही औद्योगिता दोनों मेरे लिए बराबर है माननीय मंत्री दोनों ही दोबारा माननीय मंत्री जी बीजेपी से प्रत्याशी है 2017 से लेके जनता को शुभकार कर रही है मंत्री 2017 के लिए आए हुए 2017 के बाद मंत्री आज नहीं औद्योगिता में जब भी कोई दुख सुख की घटना हुई होगी वहाँ में माननीय मंत्री ने हर बार से आई होगी। अच्छा ये बताओ असल मुद्दा छाता विधानसभा क्षेत्र मैदान में हो चुनाव मैदान में असल ऐसे मुद्दे क्या है जो कि 5 साल में अभी तक नहीं हो पाया जो आप असलियत 5 साल में विकास कार्य 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी हमारे जो क्षेत्र में है और पूरी जो भी है रोड मरम्मत है हुई है और जो भी मुद्दा है जो है वो सब और जनता जनार्दन का आशीर्वाद से हमें जो भी थे सड़कों की हालत क्या है ये थोड़ा सड़कों के ऊपर थोड़ा सड़कों का हालत ये है कि पूरे प्रदेश में ही सड़कों की हालत सुधरी है गड्ढा मुक्त सड़क है बाकी कौन सी हमारी सड़क आपकी क्षेत्र की यहाँ से वो दूर तो आते हैं बड़ोड़ा रोड से लेके और लेकर तुमने होती है 5-5.5 मीटर की सड़क आज भी मंजूर हुई है। दूसरी सड़क आपकी लेके शेरगढ़ से अकबरपुर शेरगढ़ से लेके पूरी योगी जी महाराज कह के उसका पैसा स्वीकृत हो चुका है अभी तक 5 साल में नहीं हुआ नहीं 5 साल नहीं ऐसी बात नहीं 5 साल में नहीं हुआ सुनिए मेरी बात पूरी तरह से काम होगा और परसों तो कल ही तो योगी आदित्यनाथ जी घोषणा करके गए हैं दोनों सड़क की और सुगर मिल की सब की। अच्छा कैसा बहुमत मिल रहा है ये बताओ हम काम जा रहे हो आप पहली बार अब के जो उत्साह माननीय महाराज और माननीय मंत्री जी को जो आशीर्वाद जनता का मिल रहा है अब की बार 1 लाख योगी बाबा जिंदाबाद और जनता के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा तो पूरी तरह से अब जो सड़क टूटी रह गई है पानी आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद मैं राजवीर सिंह माननीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का भतीजा हूँ राजवीर सिंह।